हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द लेंस एंड रेडाई ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर रिस्पेक्टिवली एल टू एल एंड टू आर आर। इक्वल वेट्स आर अप्लाइड ऑन देम इफ द इलोंगेशंस प्रोड्यूस्ड इन देम आर एल वन एंड एल टू रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो विल बी। सो बच्चों, गिवन है हमें दो वायर्स, दोनों वायर्स सेम मटेरियल की बनी है। इट मीन्स इनका जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो सेम होगा। अब बच्चों मान लेते हैं हम कि फर्स्ट वायर की लेंथ है एल, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड वायर की लेंथ गिवन है टू एल। अब फर्स्ट वायर की रेडियस गिवन है टू आर एंड दैट ऑफ सेकेंड वायर इज आर। अब बच्चों दोनों पर हम लोगों ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, सो मान लेते हैं एफ वन इज इक्वल टू एफ एज वेल एज एफ टू इज इक्वल टू एफ। अब इनमें जो इलोंगेशंस प्रोड्यूस हुए हैं मीन्स डेल एल वन का आंसर है एल वन और डेल एल टू का आंसर है एल टू, तो हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ ले लेंगे हम यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन, विच इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो कि होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो कि है इलोंगेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रॉब्लम को हम चेक करेंगे कि यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट है एज वेल एज फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो जो इलोंगेशन मिलेगा हमें, इलोंगेशन जो डेल एल मिलेगा हमें, वो मिल जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम क्या लिखेंगे, एल वन डिवाइडेड बाई एल टू। पहले हम इस तरह से सिर्फ रेशियो फॉर्म करेंगे। अब हम देखेंगे कि डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो यहाँ इलोंगेशन वन इज टू टू आ रहा है तो लेंथ में भी वन इज टू टू आएगा, बट इलोंगेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो लेफ्ट में एल वन इज टू एल टू आ रहा है तो राइट में क्या आएगा, ए टू इज टू ए वन। अब बच्चों हम जानते हैं कि एक सिलेंड्रिकल वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे एल वन डिवाइडेड बाई एल टू मल्टीप्लाइड आर टू डिवाइडेड बाई आर वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, सो हमें एल वन की वैल्यू मिल रही है एल और एल टू की वैल्यू है टू एल। अब बच्चों आर टू की वैल्यू है आर और आर वन की वैल्यू है टू आर एंड हमें लेना है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा, एल एल आर आर कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, वन इज टू एट मिल जाएगा। सो इलोंगेशन का जो हमारे पास में रेशियो आएगा दैट विल बी वन इज टू एट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू।